पर्यटन नगरी मांडू से लगे ग्राम सुलीबड़ई में एक होटल व्यवसायी के द्वारा नीची जमीन से लगी स्कूल तथा ग्राम पंचायत और राजस्व की जमीन पर अवैध कब्जा कर निर्माण करने का मामला तोल पकड़ने लगा है। यहाँ होटल व्यवसायी और ग्रामीणों में विवाद की स्थिति निर्मित हो गई है। देखिए खास रिपोर्ट। होटल व्यवसाय के द्वारा अवैध कब्जा कर बिना अनुमति लिए स्कूल का शौचालय और ग्राम पंचायत की कंपोस्ट पीट भी तोड़ दी गई है। मामला गरमाता देख मांडू नालछा का पुलिस बल पहुंचा। ग्रामीणों का आरोप है कि अपनी हद से बाहर होटल व्यवसायी ने कई जगहों पर अवैध कब्जा कर लिया है। एक्चुअली मुझे सूचना प्राप्त हुई है, मैं वही देखने के लिए आज मौके पर भी उपस्थित हुआ था। ग्रामीण जनों से चर्चा हुई है, मौका निरीक्षण किया गया है। इसके अंदर ज्ञात हुआ है कि कुछ टॉयलेट और सड़क के संबंध में कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है। इस संबंध में सीओ जनपद से चर्चा हो चुकी है, ये कल बैठ के नहीं मैंने कोई रोड बनाने की परमिशन नहीं दी और मुझे शौचालय तोड़ने की भी परमिशन नहीं दी। इन्होंने क्या बिना पूछे तोड़ दी, इसमें मेरी कोई परमिशन नहीं। FIR मैंने लिखित में आवेदन दिया उनको, कम से कम जब भी उन्होंने पास में वो डिसमेंट थोड़ा सा डैमेज किया था तब भी मैंने लेटर दिया तो उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं बना दूंगा। JMD कंपनी के द्वारा ग्राम के स्कूल से लगी नीची जमीन पर व्यापक स्तर पर होटल निर्माण कार्य किया जा रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि होटल व्यवसाय मयंक अग्रवाल ने जमीन के बाहर ग्राम पंचायत और राजस्व की लगभग 1 बीघा से भी ज्यादा जमीन पर अवैध कब्जा कर प्रवेश द्वार बनवा दिया है। इसके लिए किसी वैधानिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, न ही ग्राम सभा से कोई अनुमति ली गई है। स्कूल है जो सुलीबड़ी की, जहाँ पे वो बाथरूम बना था वो तोड़ दिया और कंपोस्ट तोड़ दिया इन्होंने और किसी को भी नहीं बोला। ये रात में तोड़ा गया है और जो ये 25-30 से 40 डंपर डाले गए हैं जो मुरूम के, ये बिना ग्राम सभा की अनुमति से डाले गए हैं। इसलिए हम सब गांव के आज इकट्ठा हुए और हमने पूछा इनको और ये इनकी सारी गुंडागर्दी यहाँ चल रही है। 1 से 1.5 बीघा शायद नहीं, पंचायत का पता नहीं, हम ग्रामवासियों को भी पता नहीं है, इसलिए तो हम इकट्ठा हुए सुबह 9 बजे से। पीछे कोई महल भी था जो हाँ महल था। यह सूचना प्राप्त हुई थी कि जो सुलीबड़ी में JMD कंपनी का कोई होटल निर्माण हो रहा है उस पर कुछ ग्रामीण लोगों द्वारा घेराव कर रखा है, तो इस संबंध में कानून व्यवस्था की स्थिति देखने के लिए आया था। व्यवस्था बनाई गई, ग्रामीणों को समझाइश दी गई है और जो उनके ऑनर हैं उनको भी बात हुई है, आपस में दोनों में बातचीत हुई है। तहसीलदार साहब भी मौके पर आए थे और इसमें प्रशासन अनिवार्य रूप से कार्रवाई करेगा। ऐसी कोई स्थिति नहीं है अभी समझौता या प्रकरण वाली, दोनों पक्षों में जमीन को लेके बातचीत चल रही है। ग्रामीणों ने इसे पैसा एक्ट का खुला उल्लंघन बताते हुए इस मामले में अधिकारियों पर भी दोषारोपण किया, जबकि होटल व्यवसाय के द्वारा लगातार कलेक्टर की अनुभूति होने की बात कही जा रही है, पर अब तक वो किसी भी प्रकार के वैधानिक दस्तावेज बताने में असमर्थ रहा। CRS फंड से सौंदर्यीकरण के नाम पर लगातार जमीनों पर अवैध कब्जा करने का आरोप ग्रामीणों ने लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट MP News मांडू।